2000 रुपए से 2 लाख करोड़ तक के कारोबार का सफर आसान तो नहीं था। एक किराए का कमरा, एक स्कूटर और कुछ बड़ा करने की चाह। नमकीन स्नैक्स बेचने से लेकर सहारा साम्राज्य तक का रास्ता। जानिए सुब्रत रॉय के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। मीडिया ही नहीं बल्कि फाइनेंस, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में कारोबार करने वाला जाना माना नाम सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहा। मंगलवार 14 नवंबर देर रात उनका निधन हो गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं सहारा के नोएडा ऑफिस में गई थी, साल 2020। उस वक्त भले ही सुब्रत रॉय जेल से बाहर थे, लेकिन उन पर लगे आरोपों की चर्चा हर जगह थी। पर गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त भी सहारा में काम करने वाले हर व्यक्ति को तमाम सुविधाएं दी जा रही थी। उससे पहले और उसके बाद सिर्फ उनके और सहारा ग्रुप के बारे में मैंने खबरें सुनी और पढ़ी हैं। खैर, अमीर कारोबारी सुब्रत रॉय के बारे में आपने और हमने सुना। एक वक्त ऐसा था जब वो किराए के मकान में रहा करते थे, और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने हर बड़े क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया, और फिर एक लेटर ने उनके पूरे कारोबार को शिखर से शून्य तक वापस ला दिया। इस वीडियो में हम आपको सुब्रत रॉय और सहारा साम्राज्य की कहानी के साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन सा मामला था जिसमें रॉय को कई सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 1948 में बिहार के अररिया जिले में जन्मे सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का यूपी के गोरखपुर से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई और कारोबार दोनों की शुरुआत यहीं से की थी। फिर देखते ही देखते महज 2000 रुपए से शुरू किए गए फाइनेंस कंपनी के कारोबार को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। एक समय था जब सुब्रत रॉय गोरखपुर के बेतियाता में एक वकील के घर पर किराए पर रहा करते थे। वहीं पर उनके बच्चों का जन्म भी हुआ था। सहारा श्री के नाम से जाने जाने वाले सुब्रत रॉय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी समेत अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया परिवार ग्रुप की स्थापना की थी। रॉय का गोरखपुर से खासा लगाव था, यह हमने आपको पहले भी बताया। इस वजह से मीडिया क्षेत्र हो या फिर रियल एस्टेट, गोरखपुर में उनकी कंपनी ने बड़ा निवेश किया था। साल 2000 में रॉय के बुलावे पर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज फिल्म स्टार गोरखपुर तक पहुंचे थे। किराए का कमरा और स्कूटर की सवारी सुब्रत रॉय ने साल 1978 में अपने एक मित्र एसके नाथ के साथ गोरखपुर में फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका ऑफिस सिनेमा रोड पर था। शुरू में ये किराए का ऑफिस एक कमरे का था जिसमें सिर्फ 2 कुर्सियां थी, जहां रॉय अपने स्कूटर से आते थे। इसी फाइनेंस कंपनी के जरिए सुब्रत रॉय छोटे छोटे दुकानदारों से सेविंग्स कराते थे। कुछ वक्त में पूंजी थोड़ी बड़ी तो उन्होंने कपड़े और पंखे की छोटी फैक्ट्री भी शुरू कर डाली। स्थानीय लोग मीडिया को ये बताते हैं कि इसी दौरान वो अपने स्कूटर से पंखा और अन्य उत्पादों को बेचने के लिए जाया करते थे। खुद दुकान दुकान जाकर पंखा पहुंचाते थे और दुकानदारों को छोटी छोटी सेविंग्स के बारे में जागरूक भी करते थे। धीरे धीरे उनकी बातों का असर हो रहा था, लोग उनसे जुड़ने लगे थे। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग बैंकिंग जरूरतों और रोजगार के अवसर के लिए उनसे जुड़ रहे थे। इसी बीच सुब्रत रॉय की स्कीम सफल साबित होने लगी। हालांकि इस बीच 1983 और 84 में रॉय के कारोबारी मित्र एसके नाथ ने अलग होकर दूसरी कंपनी बना ली, जिसके बाद रॉय ने लखनऊ में अपनी कंपनी का मुख्यालय खोल लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौरतलब है कि गोरखपुर से शुरुआत करने वाले सुब्रत रॉय ने बुलंदियों को हासिल किया। रॉय ने 1970 के दशक के अंत में चिटफंड बिजनेस की शुरुआत भी की थी, और देखते ही देखते एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसमें एयरलाइंस, टेलीविजन चैनल और रियल एस्टेट भी शामिल थे।
रॉय के सहारा इंडिया परिवार को टाइम मैगजीन ने रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित भी किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी उस वक्त काम करते थे। रियल एस्टेट की बात की जाए तो इसमें उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एम्बी वैली सिटी भी था, जो कि महाराष्ट्र में लोनावला के पास था। इसके अलावा रॉय ने साल 1993 में एयर सहारा की शुरुआत की थी, जिसे बाद में उन्होंने जेट एयरवेज को बेच दिया था। साल 2001 से 2013 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा है। आपको बता दें कि सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स ने साल 2011 में आईपीएल में एंट्री ली थी। सुब्रत रॉय अपने बेटों की शादी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। साल 2004 में सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की शादी हुई थी और इसका जश्न हफ्ते भर से ज्यादा वक्त तक मनाया गया था। इस शादी को शताब्दी की सबसे चर्चित भारतीय शादी बताया गया था। शादी समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें बिजनेस जगत की हस्तियां, बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट और फैशन वर्ल्ड के दिग्गज भी शामिल हुए थे। इन मेहमानों को विशेष विमानों से लखनऊ ले जाया गया था। हालांकि अपने करियर की शुरुआत गोरखपुर में नमकीन और स्नैक्स बेचने से करने वाले सुब्रत रॉय देखते ही देखते इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गया। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से भी उनके करीबी रिश्ते जग जाहिर थे। वहीं भाजपा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी सुब्रत रॉय के मुरीद थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को कई सालों तक स्पॉन्सर किया, इस तरह हॉकी को भी प्रोत्साहित किया। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, मशहूर राजनेता अमर सिंह उनके पारिवारिक सदस्यों की तरह थे। सुब्रत रॉय बड़े उत्साह से भारत पर्व कार्यक्रम आयोजित करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सहारा समूह गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह समारोह भव्य तरीके से आयोजित करता था। गोरखपुर और लखनऊ में शमशान घाट के पुनरुद्धार का काम भी सहारा समूह ने किया था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की सियासी गलियारों में एक वक्त था कि तूती बोलती थी। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा खेल एक लेटर का था, जिसने सहारा ग्रुप को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। इस लेटर में सहारा में चल रही गड़बड़ियों को लेकर खुलासा किया गया था। साल 2010 में 4 जनवरी को रोशन लाल के नाम से नेशनल हाउसिंग बैंक को एक लेटर मिला। बॉन्ड्स की जांच का अनुरोध इस लेटर में रोशन लाल ने किया था और लिखा था कि वो इंदौर के निवासी हैं, पेशे से सीए हैं। इसमें उन्होंने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जारी बॉन्ड्स की जांच का अनुरोध एनएचबी से किया था। रोशनलाल का आरोप था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि बैंक ने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को फॉरवर्ड कर दी थी। सहारा ग्रुप पर जनता से पैसे लेने पर रोक लगा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक सेबी को भी अहमदाबाद के एक एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से एक नोट मिला था। वहीं सेबी ने 24 नवंबर साल 2010 को सहारा ग्रुप पर जनता से पैसा लेने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सेबी के कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा था कि उन लोगों से भी पैसे इकट्ठा किए गए जो बैंकिंग का लाभ ही नहीं उठा सकते थे। वहीं सहारा ग्रुप की कंपनियां जब निवेशकों को भुगतान करने में असफल साबित हुई, इसी कारण उन्हें 4 मार्च साल 2014 के दिन तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें इन्वेस्टर्स के 24,000 करोड़ रुपए ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था। इस वजह से सुब्रत रॉय की निजी जिंदगी के साथ साथ उनका कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। सुब्रत रॉय को पेरोल भी मिल गई थी। 6 मई साल 2016 को उनकी मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुब्रत रॉय को पेरोल दी गई थी। इसके बाद से ही सुब्रत रॉय की पेरोल बढ़ती रही। इस केस पर सरकार ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में ये भी बताया था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 19,400 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी 6,380 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए थे। इन पैसों पर सहारा की तरफ से जानकारी दी गई थी कि वो निवेशकों के पैसे वापस करना चाहता है, लेकिन ये पैसे सेबी के पास फंसे हैं। निवेशकों की रकम को लौटाने के लिए पोर्टल शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सहारा ने कुछ किस्तों में सेबी को जमा पैसे का बड़ा हिस्सा दिया, लेकिन पूरी रकम नहीं दे सका। इन सबके बीच सहारा ग्रुप की कंपनियां और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ
कई राज्यों में मुकदमे दर्ज होते चले गए। हालांकि सहारा ग्रुप को राहत तब मिली जब केंद्र सरकार ने निवेशकों की रकम को लौटाने के लिए पोर्टल शुरू किया। एक नज़र सुब्रत रॉय की लव स्टोरी पर भी डाल देते हैं। उनकी पत्नी स्वप्ना से उनकी मुलाकात कोलकाता में कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। सिमी ग्रेवाल के एक चैट शो में स्वप्ना ने बताया था कि सुब्रत बहुत चार्मिंग थे और वो उनके प्यार में पड़ गई। सुब्रत और स्वप्ना दोनों अलग अलग शहरों में उस वक्त रहा करते थे और साल में काफ़ी कम ही मिलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र भी है कि वो रोमांटिक लेटर लिखते थे और 7 साल बाद उनकी शादी हुई थी। वहीं उनके 2 बेटे जिनका नाम है सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय, साल 2004 में सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक स्टेडियम में की थी जिस पर करीब 500 करोड़ खर्च किए गए थे। इस शादी में कई सियासी ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत के लोग देखने को मिले थे। साल 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत प्रयासों में काफ़ी मदद की थी। 1 लाख बोतल पीने का पानी, पैक्ड जूस, खाने के पैकेट उपलब्ध कराए थे। कारगिल युद्ध में भी सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी थी, इस बात का जिक्र है। उनके योगदान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तारीफ भी की थी। साल 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी उन्हें मिला था। 2002 में ही बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड उनके नाम हुआ था। 2010 में विशिष्ट राष्ट्रीय उड़ान सम्मान, साल 2010 में रोटरी इंटरनेशनल का वोकेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, 2001 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, 2012 में भारत के टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन में भी सुब्रत रॉय का नाम शामिल था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।